दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे और आज हम बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 720G 662 और 460 प्रोसेसर्स के बारे में। ये सब प्रोसेसर नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं और नेविक इनेबल्ड आते हैं और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स में इंडिया में ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रोसेसर्स कितने अच्छे हैं, किससे बेहतर है और इससे पावर्ड किया गया फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। दोस्तों मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों ही प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के तरफ से आते हैं और ये तीनों ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के अलग अलग सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि एक 7 सीरीज़ है, एक 6 है और एक 4 सीरीज़ के प्रोसेसर है। तो इन तीनों में ही जो डिविजन्स है वो बजट के लिहाज से अलग अलग है, जिसमें 10,000 से 20,000 तक के प्राइस रेंज में आपको 6 और 7 सीरीज़ के प्रोसेसर देखने मिलेंगे और वहाँ 10,000 से नीचे आपको 4 सीरीज़ के प्रोसेसर देखने मिलेंगे अमूमन फ़ोन्स में। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि CPUs इनमें क्या दिया गया है। तो आइए जानते हैं इन तीनों में ही CPUs किस कैटेगरी के और क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों बात करें अगर Snapdragon 720G की तो ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि आता है क्रायो 465 के साथ, जो कि लॉक्ड है 2.3 GHz पे और ये एक 64-bit प्रोसेसर है जिसको पावर करता है Adreno का 618 GPU और ये एक 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है। दोस्तों अगर हम बात करें Snapdragon 662 की, जो कि ये भी एक ऑक्टाकोर CPU है, ये आता है क्रायोर के 260 के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी लॉक्ड है 2 GHz पे। ये एक 64-bit आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जो कि आता है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ। इसको पावर करता है Adreno का 610 जो कि पहले वाले से थोड़ा कम पावर का GPU है। वहीं अगर हम बात करें Snapdragon के 460 की तो ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि आता है क्रायोर के 240 के साथ। ये लॉक्ड है 1.8 GHz पे। ये भी एक 64-bit का आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है जो कि यूज करता है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को, जो 662 में भी दिया गया है। दोस्तों प्रोसेसर्स के बारे में तो हमने जान लिया, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मोर स्पेसिफिकली। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में कि ये तीनों प्रोसेसर किस तरह के डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं और आने वाले टाइम में किस तरह के डिस्प्लेज आपको फोन्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात करें Snapdragon 720G की तो ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले को सपोर्ट करता है जिसकी रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच हो सकती है। इसकी जो कलर आउटपुट है वो 10 बिट डेप्थ की दी गई है और HDR10 को इंटरनल पैनल पे सपोर्ट ये करता है। दोस्तों अगर हम बात करें Snapdragon 662 की तो ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले को सपोर्ट करता है जिसकी रेजोल्यूशन 2220x1080 हो सकती है। इसकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज तक हो सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें Snapdragon 460 की तो ये भी फुल HD डिस्प्ले को सपोर्ट करता है जिसकी रेजोल्यूशन 2220x1080p हो सकती है और इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो भी 62 की तरह होगी 60 हर्ट्ज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरास की, तो ये सारे प्रोसेसर किस हद तक की कैमरा को सपोर्ट कर सकते हैं और कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोसेस करके दे सकते हैं, क्योंकि कैमरास के केस में गाइस प्रोसेसिंग जो फोटो की होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए जानते हैं ये सारे प्रोसेसर किस तरह के कैमरा को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें Snapdragon के 720G के बारे में तो ये 192 मेगापिक्सल के फोटोज को कैप्चर करके प्रोसेस कर सकता है, साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल के फोटोज को भी मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन के साथ कैप्चर कर सकता है, 32 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को भी ये सपोर्ट करता है विद जीरो शटर लैग और 16 मेगापिक्सल के भी कैमरा डुअल कैमरा सेटअप को सपोर्ट करता है विद जीरो शटर लैग और मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं Snapdragon 662 के बारे में तो ये 48 मेगापिक्सल तक के फोटोज को कैप्चर करके प्रोसेस कर सकता है, 16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा को सपोर्ट कर सकता है विद जीरो शटर लैग और 25 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट कर सकता है विद जीरो शटर लैग और मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। 48 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट कर सकता है विथ नॉइज रिडक्शन, इसमें जीरो शटर लैग नहीं बताया गया है और 1080p के वीडियो को कैप्चर कर सकता है अप टू 60fps। दोस्तों बात कर लेते हैं Snapdragon के 460 के बारे में तो ये 48 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट करता है, उसे क्लिक की गई फोटोज को प्रोसेस कर सकता है और कैप्चर कर भी सकता है विद जीरो शटर लैग, 16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा को सपोर्ट करता है विद जीरो शटर लैग और मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन, 25 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है विद जीरो शटर लैग और मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन, 48 मेगापिक्सल के
के कैमरे को भी सपोर्ट करता है विथ मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p में और इसकी जो फ्रेम रेट होगी वो होगी 60fps की। दोस्तों तीन मेन एस्पेक्ट्स को हमने अभी कवर किया है, प्रोसेसिंग, कैमरा और डिस्प्ले को। तो अब जानते हैं कि ये लोकेशन के वाइज कितना एक्यूरेट है और क्या क्या तरह की चीजें दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 720G के बारे में। तो ये सपोर्ट करता है GPS, GLONASS, Galileo, SBAB एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवी को सपोर्ट करता है। डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड GNS को भी सपोर्ट करता है, L1 और L5 को। Qualcomm सेंसर असिस्टेंस भी इसमें मुहैया कराया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 662 के बारे में। तो ये भी GPS, GLONASS और Galileo को सपोर्ट करता है। ये नेविक इनबिल्ड आता है, जैसा कि आप सबको पता है कि ये तीनों ही प्रोसेसर नेविक इनबिल्ड आते हैं। ये भी डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करता है GNS बेसिस पे, जिसका L1 और L+ बैंड्स हैं। Qualcomm के सेंसर असिस्टेंस के साथ आता है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है एक्यूरेसी के लिहाज से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 460 के बारे में। तो इसमें भी सेम है, GPS, GLONASS और जो भी मेजर नेविगेशन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड इसको सपोर्ट करता है। और द हाईलाइट इज नेविक जिसको ये सपोर्ट करता है। ये भी डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ आता है, GNSS, L1, L5 को ये सपोर्ट करता है और इसमें भी Qualcomm सेंसर असिस्टेंस पोजीशनिंग दिया गया है। तो सो अब बात करते हैं चार्जिंग की, क्योंकि स्मार्टफोन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चार्जिंग कितनी स्पीड से हो रही है। फास्ट चार्जिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बजट हो, चाहे अपर फोन्स हो, अपर लेवल फोन्स हो, उन सब में चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फ़ोन सबसे जल्दी चार्ज हो। कंज्यूमर का एक सबसे बड़ा डिमांड रहता है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए। तो इन सारे प्रोसेसर में देखते हैं कि कौन से प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ी से आपके फ़ोन को चार्ज करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों बात करें 720G के बारे में, तो ये Qualcomm QuickCharger 4 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें कि क्विक चार्ज AI का सपोर्ट है और इसमें इनबिल्ट ये दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें स्नैपड्रैगन 662 के बारे में, तो ये Qualcomm QuickCharger 3 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है। इसमें भी 4 होना चाहिए था बट नहीं दिया गया है। और अगर बात करें स्नैपड्रैगन 460 के बारे में, तो इसमें भी Qualcomm क्विक चार्ज 3 का सपोर्ट दिया गया है। इन दोनों में ही गाइस 662 और 460 में Qualcomm क्विक चार्ज 3 टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो कि एक जनरेशन पुरानी है। अभी 4 आने लग गई है Qualcomm के मेजर प्रोसेसर्स के साथ, तो इसमें भी होनी चाहिए थी बट नहीं है। अब इसमें बजट का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या एक बजट रेंज में Qualcomm क्विक चार्जर 4 ज़रूरी है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मॉडेम एंड नेटवर्क्स की। आज के डेट में जहां टावर्स बहुत नेग्लिजिबल पकड़ते हैं फोन्स में, वहां पे आप जरूर से चाहोगे कि आपके फोन्स में ऐसे प्रोसेसर लगे रहे जो कि आपके नेटवर्क को थोड़ा बूस्ट दे। तो जानते हैं इन सारे प्रोसेसर्स में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है नेटवर्क के एस्पेक्ट। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले स्नैपड्रैगन 720G के बारे में, तो यहां अपलोडिंग लिंक दिया गया LTE कार्ड 15 अप टू 800 Mbps तक की, जिसमें कि 3x20 MHz करियर एग्रीगेटर लगाया गया है, जो अप टू 2256 QAM जो कि सपोर्ट करता है 4x4 मेमो को, जो कि 2 करियर पे बेस्ड है। गाइज अगर आप लिंक की बात की जाए, अपलोडिंग लिंक की बात की जाए, तो इसमें LTE कार्ड 13 अप टू 150 Mbps तक का दिया गया है, जो कि 2x20 Hz के करियर को सपोर्ट करता है अप टू 64 QAM। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो 800 Mbps का काम करने लग जाएगा। ये 800 Mbps के डाउनलोडिंग लिंक को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास इतनी स्पीड है तो ये कैपेबल होगा उस चीज़ को परफॉर्म करने में। तो ये गाइस ये सिर्फ एक प्रोसेसर है, इस बात का ध्यान रहे। दोस्तों अब सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो स्नैपड्रैगन 720G में LTE, FDD, LTE, TTD, WC, DMA और बाकी सारे जो भी आपको सेलुलर नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं हर एक बैंड्स पे, वो सब इसमें इनबिल्ड है, जो कि अमूमन प्रोसेसर्स में रहता ही है। डुअल सिम वोल्टी सपोर्ट करता है, वॉइस ओवर LTE दोनों सिम में सपोर्ट करता है, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी एक चीज़ है वाईफाई ओवर वोल्टी, जो नया कंसेप्ट आया है उसको भी सपोर्ट करता है। आप अगर गौर से न्यूज़ फॉलो करते हो तो एयरटेल और वोडाफोन ये दोनों ही वाईफाई ओवर LTE को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि कॉल इन्हेंस और अच्छी वॉइस क्वालिटी उसमें देखने को मिलेगी, कॉल ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये प्रोसेसर भी कैपेबल है उस चीज़ को परफॉर्म करने में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 662 के बारे में, तो यहाँ जो अपलोडिंग लिंक मिलता है वो LTE कार्ड 19 अप टू 390 Mbps की, जो कि 2x20 MHz करियर पे बेस्ड है एग्रीगेटर पे, और जो कि सपोर्ट करता है 256 QAM को। दोस्तों बात की जाए अपलोडिंग लिंक की, तो ये LTE कार्ड 13 को सपोर्ट करता है अप टू 150 Mbps तक की। दोस्तों इसमें 2 करियर दिए गए हैं 20 MHz के, और ये सपोर्ट करता है 64 QAM तक
जिसमें कि 2x2 के दो मेमोज दिए गए हैं। दोस्तों अगर सेलुलर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें भी LTE, FDD, LTE, TDD और WCDMA हर एक चीज़ का सपोर्ट दिया गया है। GSMA, एज, हर एक चीज़ का आपको सपोर्ट इन सारे प्रोसेसर्स में आपको मिल जाएगा। खासकर अगर बात करें 662 की, तो यहाँ पे आपको वोल्टी विथ SRVC विथ 2G 3G टेक्नोलॉजी, HD और अल्ट्रा HD वॉइस कॉलिंग भी मिल जाती है। इसमें भी वाईफाई कॉलिंग विथ ऑल कंटिन्यूटी बिटवीन LTE एंड वाईफाई आपको मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 460 के बारे में। एक बात ध्यान रखने की बात है कि स्नैपड्रैगन 460 और स्नैपड्रैगन 662 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं। दोस्तों अगर इसकी अपलोडिंग लिंक की बात की जाए तो LTE का 13 up to 390 Mbps को सपोर्ट करता है, 2x20 MHz के करियर को सपोर्ट करता है, up to 256 QMA को। और अगर अपलोडिंग लिंक की बात की जाए तो LTE 32 up to 150 Mbps को सपोर्ट करता है ये, जिसमें दिया गया है दो एग्रीगेटर जिस 2x50 MHz करके, जो कि अब जा सकता है 64 QMA तक। दोस्तों इसमें दिया गया है टू मेमोज 2x2 के फ्रीक्वेंसी 2x2 के कॉम्बिनेशन के साथ सपोर्ट करता है ये हर एक सेलुलर डेटा को। LTE, FD हर एक सेलुलर नेटवर्क इसमें भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये भी वाईफाई ओवर LTE को सपोर्ट करता है, और जो कि आता है क्वालकॉम सिंगल बूस्ट अडैप्टर के साथ, जो कि हाई पावर ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। दोस्तों इन सारे डेटास को रीड करके और सुन के आप, मुझे लगता है आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे। यार मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि इन सब प्रोसेसर्स में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस है कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन किससे बेहतर है। दोस्तों एक बात तो तय है कि स्नैपड्रैगन 720G 730G से थोड़ा कम है, मीन्स डाउन है। भले ही नया है, 730 पहले आ चुका था, पहले के प्रोसेसर हैं, लेकिन अभी भी स्नैपड्रैगन 730 बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है 720G से। बट 720G नया है, कुछ आपको इन्हेंसमेंट मिलते हैं बैटरी सेवर के साथ। और अगर बात करें स्नैपड्रैगन 762 की, तो स्नैपड्रैगन 760 से बेटर है, थोड़ा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक बात की सिमिलैरिटी है इन तीनों में, कि इन तीनों में ही नेविक का सपोर्ट आपको मिलता है। और अगर बात की जाए इन तीनों के डिफरेंस की, तो स्नैपड्रैगन 662 जैसा कि आपको पता है ये बीच में लाई करता है, स्नैपड्रैगन 460 नीचे है और स्नैपड्रैगन 720G थोड़ा ऊपर का है। लेकिन अगर बात करें सिमिलैरिटीज की, तो अगर इस बात करें सिमिलैरिटीज की, तो इनमें स्नैपड्रैगन 720G में और स्नैपड्रैगन 762 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक मेजर ट्रिक, स्नैपड्रैगन 762 और स्नैपड्रैगन 460, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।